रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी। स्टेटमेंट ऐसा से कि टू इलेक्ट्रिक पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द साइड ऑफ ए रोड। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, एक पोल ए सी है और एक बी डी है। ये रोड के यानी एक राइट साइड पे होगा, अगर ये लेफ्ट पे है तो ये राइट पे है, इस तरह से ये है, ठीक है जी। जबकि पोल ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन द रोड ए बी। ये देखें, ए बी ये रोड है और ये दोनों ही पोल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब रोड के साथ, ठीक है जी। और ये बताया जा रहा है कि जो एक पोल, इस ए सी पोल की लेंथ है मेयर टू बी 10.0 मीटर, यानी 10 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है जी। ये आपको बात क्लियर होगी। और इसमें जो अगर आप सी पॉइंट को बी से ज्वाइन करते हैं तो मेयर एंगल जो ए सी बी बनता है ये 60 डिग्री है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोड बिटवीन द पोल्स, यानी वो रोड का हिस्सा जो कि पोल्स के बिटवीन आ रहा है, यानी ए से बी तक, वो हमने बताना है, जिसे कि मैं एक्स कह देता हूँ। बात समझ गए हैं। एक ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये एंगल एक्यूट गिवन है हमें, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड को हमने फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। जबकि जो ये राइट एंगल के सामने साइड होती है, इसे हम हाइपरटेन्यूज साइड कहते हैं। ये हमें मालूम नहीं करनी, ठीक है। हमें जो गिवन है वो फिर बेस साइड गिवन है, या जिसे हम एडजेसेंट साइड कह सकते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस साइड की रेशियो लेते हैं। इसमें हमने एक निमोनिक याद रखा है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो इसमें हमने देखा था थ्रू प्रॉपर ब्रश में टेंजेंट ऑफ एंगल अगर 60 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर यानी प्रॉपर से परपेंडिकुलर और ब्रश से बेस, ठीक है, यानी बी फॉर ब्रश एंड बी फॉर बेस, तो ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। टेंजेंट 60 की वैल्यू हम जानते हैं स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होती है, जबकि परपेंडिकुलर साइड मेजर करनी है और बेस साइड जो है वो 10 मीटर है, और 10 मीटर इधर आकर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लें तो ये 1.73205 सो ऑन चलती रहती है, एक इरेशनल नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, चूंकि ये 10 तरह का मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा आंसर आएगा 17.32, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, 17.32 मीटर। तो ये इस तरीके से जो रोड है उसकी लेंथ हम बता सकते हैं कि वो 17.32 मीटर्स है।